आप देख पा रहे हैं चावल के आटे के वड़े बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। जैसे मार्केट में मैदू वड़े मिलते हैं उसी तरह के वड़े बन के तैयार हुए हैं। कोई देख के बता ही नहीं सकता कि चावल के आटे से वड़े बने हैं। ये दाल के वड़े की तरह ही लग रहे हैं और क्रिस्पी भी बहुत अच्छे बने हैं। देखिए एक वड़ा मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक अच्छे से पके हुए हैं और आप देख पा रहे हैं अच्छे सॉफ्ट बड़े बन के तैयार हुए हैं। वैसे तो मधु बड़े बनाने के लिए हमें उड़द दाल को 2 से 3 घंटा भिगाने पड़ते हैं, उसके बाद में उसे पीस करके मधु बड़े बनाए जाते हैं। पर मैं आज आपको इस तरह से मधु बड़े बनाना सिखाऊंगी कि 15 से 20 मिनट में आपके घर में मधु बड़े झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। तो आइए मधु बड़े बनाना शुरू करते हैं। मधु बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 कप दही लिया है। 1 कप दही को हम बॉल में ले लेते हैं और दही को एक बार हम फेंट लेते हैं अच्छे से। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अभी इसमें हम 2 हरी मिर्ची को हमने छोटा छोटा काट के रखा है, वो भी इसमें डाल देंगे। यदि आपको तीखा खाना पसंद नहीं है या बच्चों को पसंद नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमने 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को साफ धो करके छील के और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। अदरक का टेस्ट भी मधु वड़े में बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो काट के भी डाल सकते हैं, दोनों तरह से अच्छा लगता है। 5-7 हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, उसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। आप कड़ी पत्तों को काट के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, ये भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी एक बार इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे और इसको एक बार अच्छे से हिला देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये पानी की मात्रा आपके दही पर डिपेंड करती है। यदि आपका दही गाढ़ा होगा तो उसमें मात्रा चेंज हो सकती है, तो इसीलिए आप हमारी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसे बनाएं। हम लास्ट में मैं आपको बताऊँगी किस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। 1 कप हमने चावल का आटा लिया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप चावल को मिक्सी में अच्छे से पीस करके आटे वाली छलनी से छान लें और फिर आप उस आटे को यूज़ कर सकते हैं। और चावल को यदि आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप चावल का आटा पिसा करके भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। वैसे चावल का आटा मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, तो आप उधर से भी खरीद सकते हैं। अभी धीरे धीरे करके जो बचा हुआ पानी है वो भी इसमें हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने 1 कप दही डाला है, इसी के साथ हमने 1 कप पानी डाला है और ये हमारा गोल अभी अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी दिखाती हूँ। देखिए गोल इस तरह का पतला ही फ्लोइंग गोल होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, आराम से ये फ्लो कर रहा है, इस तरह सा गोल बन के तैयार होना चाहिए। अभी चावल का आटा हमें कच्चा नहीं लगे, इसके लिए इसे हम पका लेंगे। बैटर को पकाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और जो हमने गोल बना के रखा है चावल का वो इसके अंदर डाल देते हैं। अभी हम गैस को ऑन कर देते हैं। आँच को हमने मीडियम ही रखा है और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसको कंटिन्यू चलाना ज़रूरी है क्योंकि आप जैसे ही इस छोड़ेंगे इसके अंदर घाटे पड़ने लग जाएगी, तो इसमें घाटा नहीं पड़नी चाहिए और कंटिन्यू आप इस तरह से चलाते रहें। ज़्यादा तेज़ आँच में आप इसे नहीं पकाएं, ज़्यादा तेज़ आँच में पकाएंगे तो चिपकने लग जाएगा नीचे। धीरे धीरे हमारा आटा देखिए पकने लग गया है और जैसे जैसे पकता जाएगा पूरा इकट्ठा होता जाएगा। आप देख पा रहे हैं जैसे ये पूरा पक गया है तो पूरा चिपकने लग गया है, सारा आपस में चिपक गया है, एक बाइंड हो गया। देखिए इस तरह से अच्छे से बाइंड हो जाना चाहिए। देखिए पूरी कढ़ाई हमारी साफ़ हो गई है और पूरा आटा बाइंड हो गया। देखिए इस तरह से बाइंड हो गया, इसका मतलब ये आटा पूरा आप अच्छे से पक के तैयार हो गया है। ऐसा आटा पका करके आपको तैयार करना है। इसको पकने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, हमारे को 3 मिनट लगे हैं, 3 से 4 मिनट लगभग लग सकता है। अभी इसको हम एक बॉल में निकाल देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं अच्छे से एकदम निकल गया, पूरा आटा खाली हो गया। देखिए और इसको अभी थोड़ी देर हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अभी हमारे चावल का बैटर ठंडा हो गया है, आप देख पा रहे हैं इसमें हाथ लगा सकते हैं, ऐसे गर्म है, ऐसे हल्का हल्का गर्म रहना चाहिए जिसे हम हाथ लगा करके इसे सहन कर सकें।
अभी इसमें हम 1 डेढ़ टेबल स्पून जितना धनिया डाल देते हैं। धनिया डालने से इसका लुक भी अच्छा हो जाता है, साथ ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, लगे 1 टीस्पून जितना तेल डाल करके इसको गूंद लेंगे एक बार। अभी इसमें हम 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाल देते हैं। आप ध्यान रखें मीठा सोडा का चम्मच ज़्यादा भर के नहीं डालें आप, मीठा सोडा लगभग इस चम्मच के बराबर उधर हाथ घुमा करके उतना ही मीठा सोडा डालना, ज़्यादा नहीं डालना। इसको अच्छे तरह से हम मसल मसल के सब में मिक्स कर लेंगे और आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, जिससे मीठा सोडा सब जगह बराबर लग जाए। सही प्रपोर्शन में मीठा सोडा डालने से हमारे जो बड़े होंगे वो अच्छे फ्लफी बन के तैयार होंगे, और यदि आप ज़्यादा मीठा सोडा डाल देंगे तो तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, जिसे खाने में बहुत ज़्यादा तेल वाले लगेंगे। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आटे को हमने अच्छे से मल लिया है। अभी हम वड़े बनाना शुरू करते हैं। मैदू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथ में तेल लगा लेंगे, दोनों हाथ में ये लगा लेंगे और छोटा सा लोई लेंगे। जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप लोई ले लें। लगभग हम नींबू के आकार का ये लोई ले रहे हैं। इस तरह से आप गोल बना लें लोई को, एकदम अच्छा गोल बन के तैयार होगा। हल्का सा दबा दें इसको और बीच में इसके इस तरह से होल कर दें। दोनों साइड से बता देती हूँ मैं आपको, इस तरह से आप इसके होल कर दें, वे वड़ा बन के तैयार हो गए। इस तरह से सभी वड़े बना करके हम तैयार कर लेंगे। हमारे प्रपोर्शन में लगभग ये 12 बन के तैयार हुए हैं। आप इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएं, जैसे हमने बनाए हैं उसी साइज़ का बना करके तैयार करें, जिससे अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे। वड़ों को फ्राई करने के लिए हमने पैन में तेल लिया है। अभी हम गैस चालू कर देते हैं। अभी छोटा सा पीस डाल करके हम देख लेते हैं। देखिए तेल के अंदर डालते ही ये पीस जल्दी से ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा तेल बराबर गर्म हो गया है। या आप इस तरह से कोई टूथपिक ले करके वो भी डाल करके इस तरह देख सकते हैं। देखिए टूथपिक के पास बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब तेल हमारा बराबर गर्म हो गया है। अभी इसे एक एक करके हम वड़े हैं इसके अंदर डाल देंगे। जिस समय वड़े इस तेल में डालते हैं उसी समय आपको वड़ों को चलाने का नहीं है। धीरे धीरे वड़े ये जैसे जैसे हल्के होते जाते हैं अपने आप तेल के ऊपर आने लग जाते हैं। आँच को हमने मध्यम रखा है, मीडियम आँच में ही आपको ये बनाना है। अभी आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे वड़े जैसे पकते जाते हैं हल्के होकर के ऊपर आने लग जाते हैं। आप देख सबसे पहले अपना जो डाला था वड़ा वो ऊपर आ गया। देखिए अभी इन वड़ों को हम पलट देंगे। धीरे धीरे इसको पलटेंगे। आप वड़े जब भी फ्राई करें इसको आँच को आप ज़्यादा तेज़ नहीं रखें। अभी हम आँच को और थोड़ा स्लो और मीडियम के बीच में कर देते हैं। अभी हमने आँच को स्लो और मीडियम के बीच में कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आँच में जब वड़े पकाते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं वड़े अच्छे से धीरे धीरे फूलने लग गए हैं। इसका कारण ये है कि हमने मीठा सोडा की मात्रा एकदम से परफेक्ट रखी है इसके अंदर। अब इन वड़ों को हम लाइट गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। अभी हमारे वड़ों का लाइट गोल्डन कलर आ गया है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप ज़्यादा डार्क नहीं करें। ज़्यादा डार्क करेंगे तो अपनी गर्मी में भी ये थोड़ी देर पकते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। अभी इन्हें हम निकाल लेंगे। आप देख पा रहे अच्छे क्रिस्पी वड़े बन के तैयार होंगे। इसी तरह हम सभी वड़े फ्राई करके तैयार कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमारे सभी वड़े बन के तैयार हो गए हैं। जैसे मैंने बताया धीरे धीरे अपनी गर्मी में भी ये पकते रहते हैं तो इनका कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं बताती हूँ कि वड़े काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। देखिए आवाज़ आप सुन पा रहे हैं वड़ों की। अभी मैं आपको एक वड़ा तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से भी बहुत ही अच्छे पक्के तैयार हुए हैं। देखिए अंदर तक अच्छे से पक गए हैं, बाहर से अच्छे क्रिस्पी बने हैं और अंदर अच्छे फ्लफी है। देखिए और बहुत ही सॉफ्ट बड़े बन के तैयार हुए। तो आपने देखा इस तरह से मैदू वड़े कितने झटपट बन के तैयार हो गए हैं। इस तरह के वड़े आप चटनी के साथ, सांभर के साथ या केचप के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएँ। इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।